सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एस एस बिल्डर्स ग्रुप के ऊपर। दोस्तों, मैं शरणजीत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ सेक्टर 125 सनिन क्लब के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक 12 एरिया के अंदर बहुत ही शानदार प्लॉट। और ये जो प्लॉट हमारा रहेगा सेक्टर 125 सनिन क्लब की निज्जर की लाइट पॉइंट के साथ लोकेशन में रहने वाला है, 12 एरिया के अंदर है और साइज़ जो रहेगा 47x90, 476 गज का प्लॉट है, 47x90 नॉर्थ ईस्ट फेस है। प्रॉपर रोड्स बने हुए हैं, देखिए ये रोड भी इस साइड को टर्न कर जाता है। कॉर्नर से थर्ड प्लॉट है, 3 प्लॉट है और 47 फीट फ्रंट और 90 फीट लेंथ के अंदर रहने वाला है। 12 एरिया के अंदर रहेगा, सिंगल लाइन है, 2 ओपन और बैक साइड में भी 30 की रोड है, घर के बिल्कुल सामने भी 30 रोड है। जहां पे सनिन क्लब सेक्टर 125 की निज्जर लाइट पॉइंट है उसके साथ ही बिल्कुल कनेक्ट रहेगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे 1 या 2 की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगी मार्केट, गुरुद्वारा साहब, क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल, एवरीथिंग, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। दोस्तों, हम लोग बिल्डर्स हैं, ट्राई सिटी चंडीगढ़ मोहाली में इंडिपेंडेंट घर बना के सील करते हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए कॉर्नर से थर्ड प्लॉट है, 47 फ्रंट 90 लेंथ के साथ, नॉर्थ ईस्ट फेस प्रॉपर कंपास में देख सकते हो आप, सिंगल लाइन नॉर्थ ईस्ट फेस के साथ प्रॉपर डेवलप एरिया के अंदर और काफ़ी शानदार घर बनता है। और इस जो प्लाट की हमारी डिमांड है वो है बड़ी जेन्युइन प्राइस। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो इस प्लाट के रिलेटेड, कोई इंफॉर्मेशन हो तो स्क्रीन पे देकर नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए। और ये देखिए ये कनेक्टिविटी रहेगी, बिल्कुल पास में वॉकिंग पे स्कूल रहने वाला है। और ये देखिए 1 घर बना हुआ है, 2 प्लॉट खाली है और 3 हमारा प्लॉट है जो हम लोग सेल कर रहे हैं। देखिए कितना शानदार ये एक बंगला बना हुआ है यहाँ पे और घर के बिल्कुल सामने जितने भी घर बने हुए हैं साइड लगती है, फेस टू फेस हाउस नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको पार्किंग की कोई समस्या नहीं मिलती। 2-3 घर के अंदर भी कर सकते हैं, 2-3 गाड़ियाँ आपके घर के बाहर भी कर सकते हैं। ग्रीनरी प्रॉपर मेंटेन है यहाँ पे, देखिए ये कनेक्टिविटी रहेगी। बी रोड से 45 की रोड है और ये सामने जो रोड रहने वाली है नेशनल हाईवे है ब्रिज के साथ और दोनों तरफ मार्केट है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो में हमारे से कुछ बताने में कमी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।